जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फूड प्रोडक्शंस की कंपनीज है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन की जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एजुकेशन के एरिया के अंदर, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेज लेवल के अंदर तो बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती लेकिन यूनिवर्सिटीज लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटीज लेवल पे इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। एमबीबीएस के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें भी इसका स्कोप है, वहां पे भी हमें इसको अब जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वहां पे जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियर ड्रग्स जितनी भी मेडिसिन जब डेवलप की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो वहां पे बायोकेमिस्ट्री के एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, बायोकेमिस्ट्री के एम्प्लॉय की जरूरत होती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में अहम रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी रिसर्च इंडस्ट्रीज जो है वो वहां पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, आप लोगों को एंड पे लास्ट सेशन पे जो है वो टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन बॉक्स में भी एक क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री में अगर देखें तो एक जर्मन केमिस्ट है कार्ल लेबरेज, सबसे पहले उसने बायोकेमिस्ट्री की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी 93 के अंदर। और उससे पहले जब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट से हमारी जितनी भी स्टडी आ रही है, साइंस की स्टडी आ रही है, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री शुरू से ही आ रही है, ठीक है। उसको सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट था एंटोनी लॉरेंस लेवाइजर, उसको बायोकेमिस्ट्री का फादर कहा जाता है क्योंकि उसने मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आने वाले दौर के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी जो एक फील्ड है वो एक मॉडर्न फील्ड होगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। जितने भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, हर एक का ये कॉमन क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में एक डिफरेंस है। और उसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक प्योर साइंस है, प्योर साइंस है। क्यों प्योर साइंस है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी पाथवे होते हैं, वो सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और सेल्स के अंदर होते हैं लिविंग सेल्स, और उसके साथ जो केमिस्ट्री है इसकी, इनके प्रोसेस की केमिस्ट्री होती है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी जो स्टडी की जाती है लैब्स वगैरह और रिसर्च वगैरह के होती है, ठीक है, जिसको हम प्योर साइंस कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज अ प्योर साइंस एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एप्लीकेशन है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जो सेल्स के अंदर पाथवे का सिस्टम होता है, उस सिस्टम वो किसके थ्रू होता है, वो जो टेक्निक है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये टेक्निक का फर्क है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम किसी भी चीज को अंदर चेंज करने के लिए, जैसे कि हमारे पास फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, कने फार्मिंग है, इनको इनके अंदर हमने चेंज करने के लिए, डेवलप करने के लिए एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो कॉम्बिनेशन नहीं है बायो और केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है बायोलॉजी जिसके अंदर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है, पहले अपना माइक ऑफ कर दें, जिसका माइक ऑन हुआ उसको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो मार्क हो रही है इसी से। दोबारा किसी का माइक जो है वो ऑन ना हो, काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो कॉम्बिनेशन है जी,
आपकी आवाज बीच में कट रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू आ रही है, इस वजह से आवाज कट रही है। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नॉट केमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ब्रांच है इसकी। इसके एग्जाम्पल देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उसको एक डील करता है बायोकेमिस्ट। उसको एक बायोकेमिस्ट डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके सेल्स के अंदर, रिप्रोडक्शन के सेल्स के अंदर जो सेक्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उन सबको डील करता है एक बायोकेमिस्ट डील करता है, नॉट केमिस्ट, बायोकेमिस्ट डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अभी देखते हैं कि इसके स्कोप के अंदर ये बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। जितनी भी मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड फील्ड हैं, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हैं, उनका बहुत ज्यादा फास्ट स्कोप है इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा उस चीज का स्कोप है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ज्यादा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू मच डिफिकल्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू मच डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। डेली हजारों की तादाद में, रोजाना हजारों की तादाद के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर न्यूली स्टडी रिसर्च हो रही है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल है कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ, कोरोना वायरस जो है वो एक, ये वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं, उसके अंदर होती है। और जो COVID-19 की वैक्सीन और स्टडी का जो प्रोसेस होता है, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, उसके अंदर किसका रोल है, बायोकेमिस्ट्री। और इसके बाद अभी देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमें डीएनए की स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री में डीएनए की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए और उस स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया है इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, बायोकेमिस्ट्री को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री है, एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। इन चार कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, इन चारों की अपने अपने रोल है। जो सबसे पहले एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री क्या है कि एग्रीकल्चर, जे वॉन लाइबेक, जे वॉन लाइबेक ने इस चीज को स्टडी किया था, इस ब्रांच को स्टडी किया था बायोकेमिस्ट्री की, कि इसके अंदर इसका एग्रीकल्चर के साथ क्या लिंक है, कैसे रिलेट कर गया है। तो उसने देखा कि केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंसेस, न्यूट्रिशन, डेयरी केमिस्ट्री एंड फूड केमिस्ट्री, इन सारी चीजों का जो रोल है, इन सारी चीजों का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू होता है, वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू होता है। इसके साथ एक एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है, ब्रांच के अंदर उसमें जिसका माइक ऑन है काइंडली वो अपना माइक मुझे नहीं ना पता, आपका यूपी डिस्टर्ब नहीं है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है कि जितने भी बायो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, वो रिलेट करते हैं सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब के रिलेशन होता है टू सेल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। हैव अ स्टडी लाइक, इनमें स्टडीज जो है वो स्टडी जो की जाती है चीज, वो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल साइंसेज, विटरनरी साइंस, ये सारी चीजों को इसके अंदर स्टडी किया जा सकता है। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी है जिसके अंदर है प्लांट बायोकेमिस्ट्री।
प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किस चीज को, बॉटनी को, ठीक है, बॉटनी को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर प्लांट बायोकेमिस्ट्री इज लाइक प्लांट प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री वगैरह को स्टडी किया जा सकता है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी वास्ट है, कैसे है कि इसके अंदर ये कंसर्न कर रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ, वेरियस इंडस्ट्रीज के साथ कंसर्न कर रही होती है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फार्मास्यूटिकल फर्टिलाइजर, फूड फर्टिलाइजर, फूड प्रिजर्वेशन, फूड टेक्नोलॉजी, जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं ये सारी इसके अंदर लेट कर रही थी, जिसके साथ बायोकेमिस्ट्री लेट करती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज यूटिलाइज इन इंडस्ट्रीज, जो रिलेट करती है किस चीज से, मतलब कैसे यूटिलाइज करती है, शुगर्स के थ्रू, स्टार्च के थ्रू, सेलुलोज फर्मेंटेशन वगैरह के थ्रू, जो हम यूटिलाइज कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री का इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके काम करने का नेचर क्या है, इसकी तरीका क्या है, बायोकेमिस्ट कैसे काम करते हैं, इसकी नेचर क्या है। इसके नेचर में देखो कि एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, प्रोफेशनल है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट इज प्रोफेशनल, जो सिर्फ सर्च करता है, स्टडी करता है, स्पेशलाइज है किसके अंदर, प्लांट हेल्थ, प्लांट की हेल्थ के अंदर प्रोफेशनल है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। इसी तरह फिजिशियन है, जो स्पेशलाइज है किस चीज में, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वेटरनेरियन है वो एनिमल हेल्थ के अंदर, और बायोकेमिस्ट्री भी इसी तरह से ही है। बायोकेमिस्ट्री क्या करता है कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो काम करता है, क्या काम करता है कि वो ये सोचता है कि बायोकेमिस्ट्री किसी भी चीज के अंदर नई चेंजेस लेके आनी, नई चीज डेवलप करनी है, नई चीज प्रोड्यूस करनी है, जिसका वो ये काम होता है। जो हमारे पास, मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या करता है, जो हमारे पास चीज पहले से अवेलेबल है, मौजूद है, हम उसके अंदर चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फूड है, वेजिटेबल है, मेडिसिन है, ठीक है, इनके अंदर हमने पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, पॉजिटिव चेंज हमने किस तरह से लेकर आना है इसके अंदर। बायोकेमिस्ट जो वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, एक वास्ट डिग्री है पाकिस्तान के अंदर भी और इन वर्ल्ड के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। बायोकेमिस्ट जो होता है वर्क करता है ऑल लेवल्स एंड विद ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जो रिलेट कर रही होती है इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सारी रिलेट करती है, वहां पे बायोकेमिस्ट काम करता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन को वो तैयार किया जाता है, उसमें भी बायोकेमिस्ट का स्कोप होता है, बायोकेमिस्ट का वर्क होता है। बायोकेमिस्ट्री होता है वो स्टडी करता है केमिस्ट्री को, किस चीज की केमिस्ट्री को, लिविंग प्रोसेस सच है, जिसके अंदर डेवलपमेंट आ जाती है, ब्रीथिंग आती है। बायोकेमिस्ट जो होता है वो स्टडी करता है केमिस्ट्री को, किसके अंदर, लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस जो चल रहे होते हैं एक ह्यूमन लिविंग चीज के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उसको बायोकेमिस्ट डील करता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है और लिविंग एनर्जी, एनर्जी की जो चेंजेस होती है, जिसमें ग्रोथ है, डेथ है, आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबोलिज्म का प्रोसेस हो रहा था उसको बायोकेमिस्ट ही जो है वो डील कर रहे थे। ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें होती हैं, उसके साथ साथ ये प्लांट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, वायरसेस के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैमल्स वगैरह को भी स्टडी कर सकता है। बायोकेमिस्ट जो है ना वो वर्क करता है ऑल लेवल्स पर, हर एक लेवल पर वो स्टडी करता है, हर एक फील्ड के अंदर बायोकेमिस्ट का रोल होता है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट जो होता है वो टेस्ट करता है, बायोकेमिस्ट का रोल क्या है, बायोकेमिस्ट किस तरह से काम करता है। बायोकेमिस्ट का काम है कि डिजीजेस को डिटेक्ट करना, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए वो एक टेस्ट करता है, किस चीज को टेस्ट करता है, जो डिजीजेज है, जो बीमारी हमें है उसको फाइंड करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो टेस्ट करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, अदर एबनॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी डिजीजेज हैं उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए वो टेस्ट करता है, ताकि वो एक नई चीज जो है वो उस बीमारी के बारे में जो टेस्ट करता है उससे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, मिलती है, जिसके जरिए वो जो मेडिसिन वगैरह को तैयार कर सकता है, एक नई रिसर्च कायम कर सकता है। बायोकेमिस्ट जो म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म वो स्टडी करता है, किस चीज को, म्यूटेशन को, जो ऑर्गेनिज्म की होती है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो म्यूटेशन क्या है कि जेनेटिक के अंदर चेंजेज आ जाना,
आपकी जेनेटिक्स के अंदर चेंजिंग आ जाना, उस चीज को स्टडी करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लीड कर रही है किस चीज को, कैंसर्स को और अदर डिजीजेस को. बायोकेमिस्ट्री इज अप्लाइड टू मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड वेटरनरी मेडिसिन. मेडिसिन के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये बायोकेमिस्ट जो होता है वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जितने भी मेडिसिन जो होती हैं वो तैयार की जाती है, उन मेडिसिन को तैयार करने के लिए पहले टेस्ट किए जाते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं. जितने भी केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं, जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं, उन चीजों को के टेस्ट जो होते हैं वो एक बायोकेमिस्ट के थ्रू होते हैं. बायोकेमिस्ट अगर टेस्ट होंगे उसके तो वो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड हो सकती है, वो मेडिसिन जो होती है वो डिवेलप हो सकेगी. अभी आते जॉब अपॉर्चुनिटीज. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं आइडिया होता कि हमें किस जगह पे जॉब्स मिल सकती हैं, कहाँ हम अप्लाई करें. जॉब्स अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है, इन द वर्ल्ड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है हम जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, जॉब्स मिल सकती हैं हमें. प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी होती हैं. बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जितने भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल्स तैयार की जाती हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं. हॉस्पिटल्स के अंदर लैब्स वगैरह होती हैं, लेबॉरेटरी वगैरह के अंदर हमें जॉब्स मिल सकती है.